टाइम ट्रैवलिंग के विषय में अक्सर कई खबरें आती रहती हैं, परंतु इस बार जो खबर आई है उसने सबको हिला कर रख दिया है। नोआ नाम के एक व्यक्ति ने दावा किया है कि वो 2030 से आया है और 2017 में फंस गया है। इस बात को साफ करने के लिए जब लाई डिटेक्टर टेस्ट किया गया तो नोआ ने लाई डिटेक्टर टेस्ट भी पास कर लिया। नोआ का मकसद आज की दुनिया को भविष्य के बारे में बताना है। नोआ ने इसके चलते कुछ हैरान कर देने वाले खुलासे भी किए हैं। नोआ ने कहा है कि भविष्य में दो देशों के बीच खतरनाक युद्ध होगा और ये युद्ध होगा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच, जिसमें नॉर्थ कोरिया को हार मिलेगी और उसके बाद दुनिया कोरिया देश नाम से ही जानी जाएगी। लेकिन लोग नॉर्थ और साउथ कोरिया ही कहेंगे, जैसे यूएस में लोग नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कहते हैं। आइए आगे जानते हैं नोआ के मुताबिक भविष्य 2030 तक क्या क्या घटित होगा। नोआ ने अमेरिका की राजनीति पर कहा कि 2020 में फिर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे। 2030 में एक मिस्ट्रियस फिगर इलाना रेमिका बनेंगी। मंगल ग्रह पर जाने का सपना 2028 में पूरा होगा। इंसान 2028 में पहुंच पाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अधिग्रहण होगा। इंसान गूगल स्टाइल ग्लासेस पहनेंगे। तकनीक अगले लेवल पर पहुंच जाएगी। खतरनाक बीमारी माने जाने वाले कैंसर की दवाई भी आसानी से मिलेगी। बिटकॉइन की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और साथ ही सिक्कों को भी उतनी ही तवज्जो दी जाएगी।